फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्लम्बिंग का वर्क कर सकते हैं और CPVC का पाइप किस तरीके से फिटिंग हुआ है A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और जानकारी भी आपके पास होगी, जिससे आप भी कई जगह पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से अभी फिलहाल कटिंग कर ली है और इसको भी यहाँ से चाबी को भी ऑफ कर दिए। बाकी इसके अंदर में ज्वाइन करने के बाद इसको फिट करेंगे। चलिए इसको यहाँ से भी रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, एक फोन का सॉकेट लग गया यहाँ पे। अब यहाँ से कनेक्टिंग होके अंदर जाएगा। इस सभी के विषय में आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। ये 1.25 इंची का यहाँ पे कटिंग करके चाबी दिए हैं और प्लस में आगे देखेंगे तो पहले से ये कनेक्शन यहाँ पे था। यहाँ पे कनेक्टर 1.25 का कनेक्टर यहाँ पे लगा के इस तरीके से, और यहाँ पे डबल एल्बो लगाया। तो इस तरीके से डबल एल्बो लगा के आप इसको अंदर में लेके चले। तो यहाँ से ये अंदर इन किया है और अंदर में जो इन कराया वो डायरेक्ट टी के अंदर। चलिए वो भी आपको आगे दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे किचन का एरिया है और किचन यहाँ पे सिंक लगेगा। इसी के ऊपर में 2 पॉइंट भी दिया है। तो ये पॉइंट जो है, इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 6 इंची का है, ताकि इसके अंदर में सिंक मिक्सर भी यहाँ पे फिट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट बनाएं जिससे परफेक्ट हो। इसके अंदर देखेंगे पानी आना भी शुरू हो चुका है। ये देखिए कॉमन बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है और इसके अंदर में इस तरीके से टोटली फिटिंग हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताओ, यहाँ पे 1.25 इंची का टी दिया और टी से यहाँ पे 2 लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एक आपका राइट साइड की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो इधर भी बताओ, आपका राइट साइड से ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं नीचे वाला, यहीं पर एक टी लग के ये ऊपर गया और यहीं से ये किचन की ओर चला गया है। ये ऊपर आपका शावर में जाएगा। यहाँ पे एक टी दिया हूँ और इसकी जो फर्श से हाइट दिया वो 36 इंची पे। इसके बाद यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 44 इंची पे कंसील्ड लगा हुआ है और ये कंसील्ड
ठंडा पानी के लिए है, यानी आपको बता पाए ये टंकी का पानी इसके अंदर आएगा और इसके अंदर आपको गीज़र का भी पानी आएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बताओ इसके अंदर टंकी का भी पानी आएगा और आपका सप्लाई का भी पानी आएगा, यानी इसके अंदर दोनों पानी फ्रेश मिलेगा, आपको ताज़ा पानी भी मिलेगा और टंकी का भी। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन भी कर सकते हैं, जिससे आप भी इस तरीके का वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी लाइन में यहाँ से 54 इंची पे इसको यहाँ से घुमा के एल्बो देके एक टी यहाँ दिया और टी से चला गया ऊपर में शावर के लिए। ये देखिए शावर के लिए यहाँ पे जब शावर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर टाइल्स भी लगने वाला है, ये सब पूरा फिटिंग हो जाएगा और टाइल्स जब लग के कम्प्लीट है तो उसका भी फिटिंग आपको दिखाऊंगा किस तरीके से फिटिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे शावर का पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे ये भी कंसील्ड लगा हुआ है, तो इस कंसील्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ये आपका गर्म पानी के लिए है, जब यहाँ पे गीज़र लगेगा तो उसके लिए पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आया है। और यहाँ पे ओवर बैंड देके आपको बाईपास कराया, साथ में यहाँ पे देखिए टी देके इधर चला गया और यहीं से इसका कनेक्शन यहाँ पे। तो गर्म पानी भी इधर में होके जाएगा, ताज़ा पानी हो या टंकी का पानी, इस तरीके से यहाँ पे झरना में आपको तीन तीन पानी भी मिलेगा, दो पानी भी मिलेगा इसके अंदर में। आपको यहीं से एक टी देके ऊपर चला गया गीज़र में और यहीं से तीन एल्बो लगाया यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे बताओ दो एल्बो लगा है आपका, एक एल्बो यहाँ और दूसरा ये जो है वो टी है, ये बाहर की ओर निकला हुआ है जो इसके अंदर टंकी का पानी आएगा। अभी हमने आपको जो यहाँ से पानी अभी इन कर रहा है वो ताज़ा पानी अभी इन कर रहा है फिलहाल में, जब फिर मैं टंकी का पानी सप्लाई होगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से। और यहाँ से एक लाइन ये बाथरूम की ओर गया है और यहाँ पे तीन पॉइंट बना, 1 2 3, ये इंडियन टॉयलेट सीट अभी है, ये हट के यहाँ पे कमोड लगेगा तो उसका पॉइंट भी बन गया। और यहीं से एक टी देखे इस बाथरूम के अंदर में एक पॉइंट चला गया, एक सिर्फ ओनली फॉर नल के लिए, और यहीं से एक पॉइंट बन के यहाँ पे चला गया नीचे की ओर, क्योंकि पीछे में इसके बाहर में जो है वो एक वॉश बेसिन आएगा। तो यहाँ पे भी इस तरीके से एल्बो लग के, तो इस यहाँ पे देखेंगे तो बाहर में आपको दिखा पाऊँ, ये देखेंगे तो इसका जो फर्श है इसकी जो हाइट होगी वो 18 इंची। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी इसका पॉइंट बनाए वॉश बेसिन का तो आपको 18 इंची पे ही देना सही है, और बाकी इसका हाइट भी मेंटेन हो जाता है, यहीं पे वॉश बेसिन आएगा। तो इसका पॉइंट यहाँ पे चला गया और बाथरूम के अंदर आपको दिखा पाओ यहीं पे एक पॉइंट यहाँ पे भी है। तो इसकी फर्श से जो हाइट है वो भी इसका लगभग हमने आपको 18 इंची पे दिया है, ताकि इसका मेजरमेंट भी सही हो। और एक कोई ज़्यादा बड़ा रूम बाथरूम नहीं है, छोटा सा ही, क्योंकि यहाँ पर फ्लश टैंक भी का भी जगह नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर ओनली फॉर नल का ही पॉइंट लगा है। और यहीं से जो दो पाइप आया वो आपका किचन के अंदर में यहीं से चला गया अंदर। तो बाकी ये टोटली पूरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका फिटिंग किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने आपको इसलिए बता पाए ताकि आप भी इसको अच्छे से मेज़र करके आप भी इस तरीके का वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलेंगे फिर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ढेरों सारी जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे। ओके, थैंक यू।